अब दूसरे जो अदर स्टीरोल्स हैं वो हैं, उसमें आता है D70 हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, जिसका मैंने बताया था कि ये हमारे पास स्किन के अंदर होता है। स्किन के अंदर जब हमारे पास कोलेस्ट्रोल के अंदर है ना, ये एक OH और सेवन पोजीशन के ऊपर OH ऐड कर दिया जाता है, और है ना सॉरी सेवन पोजीशन के ऊपर OH नहीं, सेवन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड ऐड कर दिया जाता है। सेवन डी हाइड्रोकोलेस्ट्रोल, उसमें ये होता है कि एक और डबल बॉन्ड ऐड कर दिया जाता है। पहला जो स्टीरोल होता है नॉर्मल स्टीरोल, उसमें हमारे पास है ना डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन कोलेस्ट्रोल ऐसा स्टीरोल था जिसके अंदर है ना हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया था, एक डबल बॉन्ड आ गया था। उसके बाद अब एक और एक डबल बॉन्ड आ जाता है, वो स्टीरोल क्या बन जाता है, वो बन जाता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल क्या है, जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं, और कोलेस्ट्रोल क्या था जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड था, और वो कौन सी पोजिशन पर था, वो था C5 और C6 पोजिशन पर। और ये जो डबल बॉन्ड आएगा 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल के अंदर, उसके अंदर आता है C7 और C8 पोजिशन के ऊपर, ये आ जाता है, ठीक है। और फिर ये जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल है, ये हमारे पास स्किन जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये हमारे पास विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एर्गोस्टिरोल है, ये प्लांट स्टिरोल है, इसका हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दूसरों से कैसे डिफर करता है, ये दूसरों से हमारे पास साइड साइड चेन जो अटैच होती है उनके साथ डिफर करता है, यानी कि जो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उनकी बेस पर ये हमारे पास डिफर करता है एर्गोस्टिरोल, ठीक है। और ये जो होता है, ये हमारे पास विटामिन D2 देने में नीड होता है, और D2 की इतनी ज़्यादा बॉडी में नीड नहीं भी होती, यूटिलाइज इतना काम का नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो उसके बाद जो हमारे पास स्टिग्मा स्टिरोल है, ये याद रखना कि ये हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ना फायदेमंद है, वो ऐसे कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को रीअब्जॉर्ब नहीं करता, ये हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास डिक्रीज कराता है कोलेस्ट्रॉल की रीअब्जॉर्प्शन। सिंपल लिपिड्स तो ट्राइग्लिसराइड और ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, तो इसमें जो चीज़ थोड़ी बहुत समझने की वो ये है कि ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ट्राई मीन्स तीन, असाइल मीन्स है ना वो फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल मीन्स ग्लिसरॉल, यानी कि तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। इसमें जो काम की चीज़ें जो डिस्कस करने की वो ये हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एडिटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, डेंसिटी, सेपनिफिकेशन, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जो सिंपल लिपिड्स हैं जो कि हमारे पास ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हैं, इनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है वो हमारे पास लाइपेसिस एंजाइम्स करते हैं, वो कौन से करते हैं, लाइपोसिस एंजाइम्स करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर वो इनकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है सेपनिफिकेशन, और सेपनिफिकेशन मैंने पहले भी बताया था, उसमें क्या होता है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली से हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, ताकि हमारे पास क्या बने, सोप और ग्लिसरॉल मिल जाए। और अगर हमारे पास है ना इस सोप के अंदर हमारे पास जो फैटी एसिड जूस हैं, यानी कि जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है उसमें जो फैटी एसिड्स हैं, अगर वो अनसैचुरेटेड थे तो वो हमारे पास जब वो कंपाउंड देंगे तो वो हमारे पास डिटर्जेंट का कंपाउंड देंगे, वो फिर सोप नहीं देंगे, वो फिर हमारे पास क्या देंगे, डिटर्जेंट देंगे, जो कि गुड इमल्सीफायर भी होता है और क्लिनजिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटिव रिएक्शन, एडिटिव रिएक्शन मीन्स कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स होगी वो लाजमी बात वो अनसैचुरेटेड होगी, उसके अंदर हम एडिशन रिएक्शन करवा सकेंगे। अब एडिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि वो हम या तो हाइड्रोजनेशन होती है, या हमारे पास क्या होती है कि वो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन उस वक्त होती है जब हमारे पास फैटी एसिड की जो चेन है वो अनसेचुरेटेड होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि ऑयल से फैट के अंदर, सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। और जो हेलोजिनेशन होती है वो मार्क करती है कि इसके अंदर एक्चुअली कितने डबल बॉन्ड है, तो हेलोजिनेशन बेसिकली इंडेक्स मार्कर होता है कि कितने इसके अंदर डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो होती है वो हमारे पास क्या करती है, इसकी हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। और उस ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ड्राइंग ऑयल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर इस ऑयल को हम है ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर रख दें तो वो हमारे पास ड्राइंग ऑयल बन जाए, और वो हमारे पास कोटिंग वगैरह के लिए या पेंट्स वगैरह के लिए यूज़ हो जाते हैं। यही ऑक्सीडेशन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हो रही होती तो वो रेंसिडिटी कर देती है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी यानी कि वो बैड ऑर्डर आना शुरू हो जाना, बैड ऑर्डर, ख़राब स्मेली स्टिंकी जो हमारे पास स्मेल आना शुरू हो जाए इन फैटी एसिड से, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से या हाइड्रोलाइसिस से, तो ये हमारे पास कहलाता है रेंसिडेशन। और रेंसिडेशन जो होती है ये हमारे पास प्रिवेंट की जा सकती है जब हम एंटीऑक्सीडेंट अप्लाई करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे कि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि रेंसिडिफिकेशन नहीं होगी, रेंसिडिफिकेशन नहीं होगी तो बैड ऑर्डर नहीं होगी। तो इसलिए हम विटामिन ए एंड विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीनों विटामिन यूटिलाइज करते हैं। और प्लांट के जो होते हैं उनके पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो प्लांट के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो खुद ही प्रिवेंटिव होते हैं इन रेंसिडिफिकेशन से। बाकी जो आप कंपाउंड लिपिड है वो डिस्कस करना।
जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास ओमेगा कार्बन, जो कि हार्पर में बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी हुई थी। ओमेगा कार्बन क्या होता है कि ये हमारे पास वो लास्ट कार्बन होता है फैटी एसिड चेन का, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। अब उससे पहले अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा और फिर नंबर ऑफ कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड था। लाइक कि हमारे पास ओमेगा थ्री है, ओमेगा थ्री मतलब कि हमारे पास ओमेगा कार्बन से पहले ओमेगा कार्बन से पहले तीसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। लाइक एक फैटी एसिड चेन है उसमें है ना 20 कार्बन है, और 20th कार्बन जो है वो मिथाइल ग्रुप है और ओमेगा कार्बन है। तो ओमेगा थ्री क्या होगा, 17 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है ना ये ओमेगा थ्री की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, प्रिवेंट्स कराते हैं सीवीएस के अंदर, ठीक है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को प्रिवेंट कराते हैं। साथ साथ में है ना जो आर्थराइटिस वगैरह होते हैं, कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, और क्रॉनिक डिजीजेज से ये हमारे पास ओमेगा थ्री वाले फैटी एसिड जो होते हैं वो बचाते हैं। अब ओमेगा थ्री वाले फैटी एसिड कौन से हैं, एक है लेनोलेनिक, एक है अरेकिनिडोइक एसिड और दूसरा है डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड। ये तीनों जो फैटी एसिड हैं ये हमारे पास ओमेगा थ्री फैटी एसिड कहलाते हैं। नेचुरली ऑयल्स जो होते हैं, जो हम फूड के अंदर कंज्यूम वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास है ना टेस्ट वगैरह भी नहीं ओमेगा थ्री कार्बन की वजह से आता है, ठीक है। और जो हमारे पास नेचुरल ऑयल्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाले फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसमें याद रखना ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें कौन से फैटी एसिड होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड होते हैं। जो हमारे पास नेचुरल फूड वगैरह होता है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ट्रांस कन्फिग्रेशन के। लेकिन ये ट्रांस कन्फिग्रेशन वाले जो है ना फैटी एसिड होते हैं वो वैसे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बॉडी अगर आप है ना क्या कर रहे हो कि है ना आप ऑयल वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, नेचुरली ऑयल वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, अगर उसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है तो इट कैन लीड टू सीवियस डिजीजेस, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि हार्पर में थी और दूसरी बुक्स में नहीं है।